यार इसे गहरा ही नहीं था। तो आप पानी चेक करेंगे, रवानगी से पानी आ रहा होगा। इसका बारिश का पानी किधर गया था, इसको इधर तो है नहीं था। करोड़पति है लेकिन यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं। पानी भर जाएगा, यहाँ से पानी आएगा रवानगी के साथ। हाँ मखा डेम चक्कर रारू मेरे राशि के कमर। अस्सलाम वालेकुम, आपके भाई थाई ट्रेवलर एक बार फिर एक न्यू व्लॉग के साथ। इस व्लॉग में आपके भाई आया फेजू के डैम में, तो आपको डैम दिखाते हैं। अभी बन रहा है, 7-8 महीने में काम से मुकम्मल हो जाएगा। आप लोकेशन चेक करें, पहाड़ों के साथ ही है, अभी ये काम जारी है। ये माशाल्लाह बना दिए, एक साल में ये बना दिया है और 7-8 महीनों में इंशाल्लाह काम मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे साथ मुसद्दिक भाई हैं, हमारे कज़न हैं। मुसद्दिक भाई क्या हाल है? और हमारे साथ ये सारगुल खान है, ये हमारे करीब के रिश्तेदार हैं। सारगुल खान क्या हाल है? खैर अल्हम्दुलिल्लाह। आप डैम के बारे में बताएं, डैम के बारे में। डैम में माशाल्लाह बहुत अच्छी नज़ारा भी है, बन रही है थोड़ा सा। नहीं, इसकी चौड़ाई के बारे में बताएं। अंदाजा तो नहीं लेकिन लगता है तो उर्दू की माँ बहन करते हो यार। नहीं मैं कह रहा हूँ इनकी गहराई के बारे में बताओ, ये कितना गहरा है? यार इसे गहराई नहीं था क्योंकि ये माशाल्लाह से आप व्यू चेक कर सकते हैं। साथ में ये जब सारा सिस्टम ओके हो जाएगा ना 7-8 महीने में, तो आप पानी चेक करेंगे, रवानगी से पानी आ रहा होगा। वो आगे आपको लेके चलता हूँ, जैसे डैम से पानी गिरता है ना, वहाँ से पानी जो तैयार होकर बिजली जो बनेगी ना, वो वहाँ आगे है वो जगह। तो वो मैं आपको, वो जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारे गांव का व्यू बहुत अच्छा है, ये पहाड़ियाँ देख सकते हैं आप। तो इंशाल्लाह आप भी आएँ, जो जो भाई आना चाहता है मुझे बताएं, कमेंट में बताएं, तो उस भाई को भी अपने गाँव में लाऊँगा, पहाड़ियाँ घुमाएँगे, तो ये डैम भी दिखाएँगे। डैम 7-8 महीने में इंशाल्लाह बन जाएगा। ये आप चेक करें व्यू माशाल्लाह। ये हम नीचे जा रहे हैं, अभी आपको नीचे थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं। मुसफिक भाई ये यहाँ का तो माशाल्लाह काम हो चुका है, तो ये ऐसा लग रहा है कि मैं एक शहर साइड आ गया हूँ, गांव तो मुझे नहीं लग रहा ये जगह। ये फिजू में पहला बारिश का डैम बनने वाला है, या मतलब पहले डैम नहीं था ना, यहाँ लोगों को बहुत परेशानी होती थी, बिजली भी बनेगी और यहाँ खेतों के लिए पानी भी नहीं था ना। अब आबपाशी का निज़ाम भी अच्छा हो जाएगा इस डैम से। अच्छा। हाँ, इस पे बहुत ज्यादा खर्च हुआ, ये 3 साल का प्रोजेक्ट है, अभी तो इनके 2 साल मुकम्मल हुए हैं। 2 साल हो गए मुकम्मल? हाँ ठीक है, अभी 2 साल मतलब ये इनके मुकम्मल हो गए, 1 साल बाकी रह गए। अच्छा ठीक है, अब इस पे मजीद काम भी हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं। स्टार्ट किसने लिए? स्टार्ट किसने लिए? ये पीआई के दौर में शाम खान ने मंजूर किया था। अच्छा। हाँ, जो मिनिस्टर था हेल्थ का। अब इस पे काम जारी है माशाल्लाह, आप खुद देख सकते। जो हमारे इलाके में बिजली नहीं आ रही, इस काम के जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो बिजली हमारे इलाके में आ जाएगी इंशाल्लाह, बिजली भी इससे बनेगी। आपसे 1-2-3 सवाल पूछ रहा हूँ हम, ठीक है? डैम तो है ना, देखो आप लोग सब देखो, इसमें तकरीबन 2 साल पूरा हो जाएगा, ठीक है? 2-3 महीने कम है, 2 साल हो गए, इसमें ज्यादा बारिश तो बहुत ज्यादा इलाका है इस आसाम में। इसका बारिश का पानी किधर गया था, इसको इधर तो है नहीं था क्योंकि पानी बहुत कम लगता है। नहीं ये बताओ, हाँ। ये पेजू को क्या फायदा है डैम का? यार फायदा तो पहले तो ये है क्योंकि पेजू में बहुत पानी के बहुत ज्यादा था, कम है ना, मुश्किल है बिल्कुल, बहुत गहरा नीचे था, बहुत मुश्किल से मतलब बोर लगाना। क्योंकि मसला इसका इंट्रोडक्शन तो पहले मैं करूं। ये यहाँ का इंजीनियर है, सही है, इसको बाड़े पे रखा हुआ है, रोज इनको दिहाड़ी मिलती है 70 रुपए। अच्छा। और ये इंजीनियर है, काम क्या करता है? ये इंजीनियर है ना, ये डैम में इनके बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट इसकी जिम्मे है। अच्छा। हाँ, लेकिन इनको दिहाड़ी पे रखे हुए 70 रुपए इनको देते हैं रोज। जबरदस्त। और आप क्या करते हो, मतलब आप डैम में कोई काम वाम करते हो? चोरी के लिए इसी बात देते। हमारे सरगुल भाई की थोड़ी उर्दू थोड़ी कमजोर है, तो थोड़ा समझ जाइएगा इसकी उर्दू क्या बोलते हैं। नहीं, उर्दू भी इसकी कमजोर है और ये देखो इसकी जिसामत भी माशाल्लाह। सिंपल बॉडी है, कमजोर नहीं है। तो भजन, ये डैम जो बन रहा है ये, इससे हमें बहुत फायदा होने वाला है हमारे गाँव को, ठीक है ना। बाकी आसपास के गांव लकी मरवत में बहुत फायदा होने वाला है इस डैम से, क्योंकि बिजली और पानी का निज़ाम सबसे जरूरी होता है। इससे पानी का निज़ाम भी अच्छा हो जाएगा, इन्होंने कि 1 साल में ये बन जाएगा, तो बिजली और पानी का हिसाब किताब टाइट हो जाएगा हमारा। ये आगे दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है, जहाँ पे प्रोसेस होगा। ये प्रोजेक्ट जो है ना, इसमें सरगोल का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसके पास पैसे भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये दिहाड़ी पे यहाँ काम क्यों कर रहा है। ये आप दिहाड़ी पे क्यों काम कर रहे हैं? इस वजह से हमें दिहाड़ी पे काम करेंगे क्योंकि ये तो मेरे इलाके की सहूलत के लिए, वाह, और इमदाद के लिए, जबरदस्त, और
ये देखिए हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो करोड़पति हैं लेकिन यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं। इधर गरीब लोग है, पानी सारा टैंकी डाले, वो टैंकी तो 2000 तकरीबन कीमत है। अच्छा, इधर पानी ये बनना हुए था, फिर पानी बहुत ज्यादा था, गरीबों के लिए बहुत हमदर्दी है। इंजीनियर तो होते है ना, हाँ। वो ऐसे अच्छे टाइट कपड़े वगैरह पहनते हैं, हाँ। ना ये इतना सादा इंजीनियर है, जब सफाई का टाइम आता है ना तो ये इसमें कूद जाए। ये नहाता यहीं पर है, हाँ, नहाता भी है, सफाई भी यही करता है। इतनी ज्यादा धूप फेंकी, ये देखो, ये देखो, इतनी ज्यादा धूप फेंकी है, साबुन के जरूरत नहीं, मिट्टी नहीं था ये, हाँ यही मिट्टी है, हाँ, इसके लिए हमें धोता है। और ये हर ईद पे ये नहाता है, ये मतलब साल में एक दफा नहाता है, एक दफा नहाता है ईद के, ईद क्योंकि ज्यादा खर्चा होता है ना, फिर गरीबों के नुकसान भी आए। अच्छा अच्छा, मुसद्दिक भाई कह रहे हैं ये पानी ये जब स्टार्ट हो जाएगा ना तो ये पानी ऊपर तक आएगा, अभी पानी तो नीचे तक है ना हमारे पाँव तक, तो ये पानी ऊपर तक लगेगा, ठीक है ना। हम आगे वाली जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बिजली पानी आएगा और जहाँ बिजली बनेगी ना वो जगह आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये गांव के वो लड़के आए हुए हैं जो बिल्कुल फारे हैं। ये फरहान भाई एक और हमारे कजन है, ये चाचू के बेटे हमारे, माशाल्लाह अभी डैम में इंजॉय कर रहे हैं, ये हमारे भाई हैं और ये इब्राहिम भाई हैं माशाल्लाह। इब्राहिम भाई क्या हैं, सलाम उका, क्या है तबीयत, ठीक है, खैरियत है, ये जगह है भाई, आगे नहीं जाओ ये बहुत खतरनाक जगह है, आप लोगों को दिखाओ ये नीचे की। नहीं नहीं दिखाते हैं, लोगों को दिखाना पड़ेगा, ये देखें यहाँ से ये पानी आएगा, मैंने जैसे आप कहा था ना ये पानी भर जाएगा, यहाँ से पानी आएगा रवानगी के साथ और यहाँ से जो गिरेगा यहाँ से फिर यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे होगा, बिजली यहाँ बनेगी। अभी ये काम पेंडिंग पे काम जारी है, ठीक है ना। ये लोग आना शुरू हो गए, देखें जैसे हमारे कराची में सी व्यू है ना, सी व्यू में शाम में लोग आना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे गांव में डैम में आना लोग शुरू हो जाते हैं शाम में। उर्दू में बात करो, उर्दू करो और फेजू और खाम खा डैम चक्कर रारू खाम खा चक्कर जगरु खाम खा दल को डेटा को फायर को फायर को खाम खा लाइक वर को लाइक वर को एक गाना हो जाए, एक गाना हो जाए। सर्ग में तोरे का जवान दे लका का डैम खबर माँ खबर वच बारान बारान वरीगी हो दमुसाफर जनान डेर बदर कव मा दमाज गरा लका पढ़े मैंने कतले यार कना कनरा इसका नाम है मीठा, तो जिस तरह ये मीठा ना इस तरह ये गाने भी मीठे गाते हैं। तेरे इश्क के कमर और पहले नजर तुम नजर से लगाए ए मजारा गाया तुम नजर से लगम क्या बोला तूने नजर से लगम मेरे पहले नजर अब नजर से लगाए मजारा गाया तुम सुहर के नजर तुम सो पहले नजर हम नजर से लगाए ओ मजारा गया मेरे रश के कमर तुम पहले नजर हम नजर से लगाए क्या बात है क्या बात है। शाम का टाइम देखें रश कितना हो गया है, लोग आ ही जा रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह आपने देखा यहाँ पे कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना खूबसूरत व्यू है हमारे गांव का। ये आपको आज का हमने दिखाया था फेजू का डैम जो बन रहा है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आपके पास थर्ड ड्राइवर, अल्लाह हाफिज़।